आईपीएल 2023 में भी बजा महेंद्र सिंह धोनी का डंका। पांचवीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया गया चैंपियन। फैंस ने जमकर मनाया जश्न। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल्स में चेन्नई ने गुजरात को 5 विकेटों से हरा दिया। आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जडेजा ने दिलाई जीत। बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के तहत इस्तेमाल हुआ। गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रन बनाए थे। चेन्नई ने 15 ओवर में 171 रन का उनको टारगेट मिला था। आज है गंगा दशहरा। आज ही के दिन श्री विष्णु के चरणों से अवतरित हुई थी मां गंगा। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने उमड़ रहे हैं भारी श्रद्धालु। आज दान पुण्य का विशेष महत्व। मणिपुर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। राज्य में भड़की हिंसा को लेकर दोनों पक्षों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने कुकी जनजाति और बैतई समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। अब तक पुलिस ने किए 40 एनकाउंटर। मणिपुर हिंसा को लेकर आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। खड़गे के साथ जाएंगे कांग्रेस नेता। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना। पुलिस ने कराया खत्म। 36 दिनों से चल रहा था धरना। पहलवानों के धरने पर दिल्ली पुलिस का बयान। कानून के उल्लंघन की वजह से धरना कराया गया खत्म। बीजेपी आज से 30 जून तक देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद बनाएंगे उपलब्धियां। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अजमेर। अपनी सरकार के 10 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा 9 वर्षों में जानलेवा महंगाई। बीजेपी ने लूटी जनता की कमाई। अखिलेश यादव को मोदी सरकार के 9 साल पर तंज। कहा ये 10 नंबरी सरकार है। यूपीएमएलसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की हुई हार। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में मेगा प्रचार अभियान। लखनऊ में योगी हरदीपुरी समेत बीजेपी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पड़ोसी देशों से भारत के रिश्तों पर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजर करके देख नहीं सकता। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। कहा 2014 के बाद देश की जनता के हित में बनाई गई लाभकारी योजनाएं। विकास की डगर पर आगे बढ़ते मध्य प्रदेश को लेकर बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा मध्य प्रदेश देश का टेक्सटाइल हब बना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गिनवाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा 9 साल में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों पक्के मकान दिए गए। असम को वंदे भारत के एक्सप्रेस की प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में सिमटी। हाईटेक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रोटेटिंग सीट, टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट से लैस। वर्ल्ड क्लास यात्रा का आनंद लेने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों में उत्साह का माहौल। काजीरंगा, पोबितोरा, मानस समेत कई जगह से जुड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा का आनंद लेते हुए नजर आए। नई संसद के उद्घाटन पर राज्यसभा उपसभापति के शामिल होने पर जेडीयू का हमला। रविवंश नारायण पर लगाया जमीन बेचने का आरोप। हरिवंश नारायण के बचाव में उतरी बीजेपी। सम्राट चौधरी ने कहा नैतिकता हरिवंश नहीं बेची बल्कि जेडीयू ने बेची है। गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर निशाना। बोले एकता की बैठक पर प्रधानमंत्री का देख रहे हैं सपना। संसद के उद्घाटन पर ओवैसी का मुस्लिम कार्ड। पूछा क्यों नहीं थे ईसाई मुस्लिम गुरु। बोली बीजेपी प्रधानमंत्री का विरोध ही विपक्ष का काम। अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की टारगेट किलिंग। एम्यूजमेंट पार्क में काम करने वाले दीपू को मार गिराया।
मध्य प्रदेश राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा मंथन, राहुल गांधी का 150 से ज्यादा सीट का दावा, गहलोत और पायलट बैठक में शामिल। अध्यादेश के बहाने विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को झटका, कांग्रेस का फैसला ना। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर्स के साथ किया सफर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर इशारों में हमला, कहा कांग्रेस में पद की मांग का रवैया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को जारी किया नोटिस, एनआईए की अर्जी पर नोटिस। पहली बार दौरे पर आए कंबोडिया किंग नोरोडोम, पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कंबोडिया किंग के स्वागत में कलाकारों ने किया पारंपरिक डांस, कलाकारों का डांस देखकर मंत्रमुग्ध हुए विदेशी मेहमान। भारत कंबोडिया के कूटनीतिक संबंधों की स्थापना होने पर 70वीं सालगिरह पर आए किंग। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को दिलाई शपथ। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को दिया बड़ा गिफ्ट, छात्रों को अब मिलेगी 10,000 रुपए की मदद। मौसम की दुश्वारियों के बीच केदारनाथ धाम में उड़ रहा रिकॉर्ड, श्रद्धालु हर दिन 25,000 यात्री कर रहे हैं बाबा के दर्शन। देहरादून के लक्ष्मी चौक पर हुई राम आरती में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कथा का भी आनंद लिया। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु और पर्यटन के लिए शानदार खबर, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठा सकेंगे श्रद्धालु। दिल्ली के राजस्थान हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास। पोर्ट ब्लेयर में जमशेदपुर एनआईटी के छात्र और राफ फैकल्टी युवा संगम कार्यक्रम से जुड़े। इन्हीं में वन विभाग ने किया पेड़ के बीच फंसे हाथी का सफल रेस्क्यू। विजयवाड़ा में तैराकों के लिए समर कैंप का आयोजन, हर वर्ग के लिए लोगों ने उठाया तैराक का आनंद। विजयवाड़ा में आयोजित समर कैंप में बच्चों ने किए योग अभ्यास, अतिथियों का बढ़ाया हौसला। वडोदरा में महिलाओं ने मनाया गंगा दशहरा, नाव में महिलाओं ने किया डांस। खीर भवानी मेले में लगा भक्तों का तांता, पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद लिया। कश्मीर जोन के एडीजीपी पहुंचे खीर भवानी मंदिर, पत्नी संग किया पूजा पाठ। खीर भवानी मंदिर पहुंची महबूबा मुफ्ती, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुंबई में हुआ एनडीए कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन, आईएम इंदौर के निदेशक शामिल। कोची में 21,000 ग्लास बोतल से महिला ने तैयार किया सजावट का सामान। आजीपुर में हिंदू युवक ने की मुस्लिम लड़की से शादी, आचार्यों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ करवाई शादी। नांदेड़ में किन्नर ने 62% मार्क्स लाकर 12वीं परीक्षा की और मराठवाड़े में 12वीं पास करने वाली पहली किन्नर बनी। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में लगा गंदगी का अंबार, क्षेत्र के युवाओं ने नदी में सफाई का चला अभियान। पाली में आयोजित वेद धर्म संस्कृति कैंपेन का बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं युवा और बच्चे। सिलीगुड़ी में मनाई गई एवरेस्ट दिवस और तेंजिंग नोर्गे शेरपा की जयंती। बेंगलुरु में अपने स्कूल पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, स्कूल के स्टाफ से की मुलाकात। वाशिम में महेश नवमी के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पर
अमृतकूट के सरकारी अस्पताल ने खोज निकाला पेन किलर, पेन किलर का विकल्प, दंत वाली जगह पर इंजेक्शन से मरीज को दी जाएगी दवा। कलबुर्गी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के डीजीसीए ने दी अनुमति। बिहार का दिव्यांग पहुंचा बाबा बागेश्वर के धाम, बालाजी से लगाई अर्जी। गोरखपुर की रामगढ़ की झील में चल रही रोइंग प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने लहराया जीत का परचम। करनाल में कृषि विभाग युवाओं को दे रहा है ड्रोन उड़ाने का निःशुल्क प्रशिक्षण, 13 जून तक ट्रेनिंग लेने के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मड़गांव में इन दिनों लग रहा है पर्यटकों का मेला, लोग देश की आखिरी चाय की दुकान पर ले रहे हैं चाय की जूस की। अयोध्या में साधु ने जन चेतना रैली के आयोजन के लिए बैठक की, रैली के प्रबंधन के लिए हुई चर्चा। मेरठ में नवनिर्वाचित मेयर ने संभाला कार्यभार। अहमदाबाद में देखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अनोखा अंदाज, जमोर के साथ डांस करते हुए नजर आए। पीलीभीत में पुलिस ने लोगों के खोए हुए 67 मोबाइल फोन किए बरामद, मार्केट में 9 लाख रुपए खरीदा। जींद में हरियाणा के सरपंच आज करेंगे महारैली का आयोजन। झांसी में सीबीएसई में टॉप करने वाली इमरोज अली ने प्रधानमंत्री को जताया आभार। शाजापुर विधायक का हुकुम सिंह कराड़ा ने महिलाओं को बांटे नारी सम्मान योजना के फॉर्म।